तो क्या दोस्तों, आपने भी अपना टैटू रिमूव कराने के बारे में सोच लिया है और अगर आपकी ये मजबूरी बन चुकी है कि अब किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आपको आपका टैटू वहाँ से हटवाना ही है, तो लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ आपका टैटू हटवाना आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है और आप चाहते हो कि मेरा जल्द से जल्द टैटू रिमूव हो जाए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आप ये टैटू रिमूव करवाने के रीज़न में कुछ बहुत बड़ी गलती ना कर बैठो, कुछ गलत कदम ना उठा लो। तो उसके लिए ही ये वीडियो मैंने बहुत ज़रूरी समझा बनाने के लिए। तो आप लोग के माइंड में ये थॉट है ना कि अगर आपका टैटू रिमूव कराना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। लेज़र ट्रीटमेंट से अगर आप टैटू रिमूव कराते हो तो आपको आपके टैटू के ऊपर क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, कि आपका टैटू वहाँ से रिमूव होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा भी तो किसी तरह के इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट रहती है, भाई पहली बार अपने भाई के चैनल पर, पहली बार अपने भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, अगर आपको टैटू रिमूव कराना है ना, तो कौन सी थेरेपी आपको 100% रिजल्ट देगी आपको टैटू रिमूव में। तो गाइस अगर आप टैटू जेन्युइनली रिमूव कराना चाहते हो बहुत अच्छी तरह से विदाउट किसी साइड इफेक्ट के, होता भी तो किस तरह का होता है, तो आप जेन्युइनली 100% टैटू रिमूव कराना चाहते हो तो आपको लेजर थेरेपी का ही यूज करना होगा, लेजर ट्रीटमेंट का ही यूज करना होगा। यही एकमात्र एक लौता ही दोस्तों, आप समझ लीजिए, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको आपका टैटू 100% रिमूव करके देता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैंने थोड़े ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि टैटू को रिमूव कैसे करें या कौन सी थेरेपी से टैटू को रिमूव करवाना चाहिए, तो मेरे उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत साथ ही साथ एक ऐसे नेगेटिव कमेंट ही कह सकते हो, ऐसे कमेंट आ रहे कि कह रहे कि भाई हम लेजर ट्रीटमेंट से टैटू को रिमूव तो करवा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टैटू जो रिमूव हुए हैं लेजर ट्रीटमेंट से, वो हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर व्हाइट व्हाइट मार्क्स छोड़ देती है। रिजल्ट में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फ्रेश टैटू रिमूवल है, जैसे कि एक या दो दिन ही हुआ होगा इस टैटू को रिमूव कराए हुए, तो देख सकते हो इसमें हल्के हल्के से व्हाइट व्हाइट कलर के मार्क्स दिख रहे हैं जहाँ से टैटू रिमूव हुआ है। तो ये कब तक रहते हैं, अगर रहते भी हैं तो इसे कैसे रिमूव किया जाता है, या लाइफ टाइम के लिए तो नहीं रहते हैं, तो यही डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने तो आपको बता दिया कि अगर आपको टैटू रिमूव कराना है तो लेजर ट्रीटमेंट का ही अगर आप यूज करते हो तो आपका टैटू 100% आपके बॉडी पार्ट के ऊपर से रिमूव होता है। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़े डाउट को लेकर लेजर ट्रीटमेंट में, कि अगर हम लेजर ट्रीटमेंट से टैटू रिमूव कराते हैं तो क्यों हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर व्हाइट मार्क्स रह जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब आप टैटू नया बनवाते हो ना, जो आपने करवा लिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जब आप टैटू नया बनवाते हो तो तुरंत ही वो आपका टैटू तो चमकने नहीं लगता है ना, उसके 15-20 दिन हीलिंग प्रोसेस के बाद ही तो आपका टैटू डार्क टैटू बन पाता है। उसके हीलिंग प्रोसेस के अंदर कहीं आपके टैटू के ऊपर इचिंग भी आती है, स्वेलिंग भी आती है, पपड़ी भी निकलती है, लेयर भी निकलती है, तो सारे प्रोसेस से जब टैटू बाहर निकलता तब आप विद इन वन मंथ, मान लीजिए वन मंथ के बाद ही तो आपका टैटू जो प्रॉपर रिजल्ट है वही तो आपके सामने आता है ना। ऐसा तो नहीं कि तुरंत उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल गया। मैं मानता हूँ कि हाल फिलहाल तो आपको बहुत अच्छा चमकता दमकता टैटू दिखेगा, लेकिन बाद में तो उसका इफेक्ट जो हीलिंग प्रोसेस है तो उससे गुजरने के बाद ही तो पता चलेगा कि उसका मेन रिजल्ट क्या है। तो उसी तरह से ये लेजर ट्रीटमेंट भी वर्क करता है। अगर आप जब भी आप अपने टैटू को रिमूव कराओगे ना अपने बॉडी पार्ट के ऊपर से, तो मैं मानता हूँ आपके बॉडी पार्ट के ऊपर व्हाइट मार्क्स रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, व्हाइट मार्क्स रह जाते हैं, लेकिन समय रहते दोस्तों वो भी चले जाते हैं। इसमें आपको पैनिक होने की या आप रॉन्ग गाइडलाइंस किसी ने आपको दी हो तो भाई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने लेजर ट्रीटमेंट कहाँ से कराया। अगर आपका टैटू लेजर ट्रीटमेंट से, बेस्ट लेजर ट्रीटमेंट से रिमूव हुआ है ना, तो आपके टैटू पे 100% किसी तरह के व्हाइट मार्क्स नहीं होंगे दोस्तों। आप किसी तरह के बहकावे में ना आइए, जब आप वहाँ से टैटू रिमूव कराओगे तो आपको साथ साथ वो जेल भी या क्रीम तरह की किसी भी अच्छी से प्रोडक्ट का प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसे आपको अप्लाई करना होगा। 2 मंथ का ये कोर्स होता है। जब अपने टैटू को, जैसे कि एक सेशन में तो कभी भी कोई प्रॉपर टैटू रिमूव नहीं होता है, 2 सेशन 3 सेशन लगते हैं टैटू रिमूव होने में। तो जब 3 सेशन के बाद में आपका टैटू के ऊपर जब वो जेल या क्रीम का अप्लाई करने के लिए देते हैं ना, तो आपका टैटू विद इन 2 मंथ्स के बाद में ही प्रॉपर दिखता है कि किस तरह का आपका बॉडी पार्ट की वजह से टैटू रिमूव हुआ है। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, अगर आपका टैटू लेजर ट्रीटमेंट से रिमूव हुआ है ना, और अच्छे लेजर ट्रीटमेंट से रिमूव हुआ है, तो आपके टैटू के भाई व्हाइट मार्क्स नहीं दिखते हैं जहाँ से आपने टैटू रिमूव कराया है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। अगर आपके टैटू के व्हाइट मार्क्स दिख रहे हैं जहाँ से आपने टैटू रिमूव कराया है, तो आफ्टर 2 मंथ्स, उसे 2 मंथ्स कंप्लीट होने दीजिए, आपको खुद रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वो अप्लाई करोगे क्रीम या जेल का, तो धीरे धीरे वो व्हाइट मार्क्स भी वहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं व्हाइट मार्क्स क्यों होते हैं,
क्यों, आपको ये भी तो जानना जरूरी है ना, जब आप अपने लेजर ट्रीटमेंट का अपने बॉडी पार्ट के ऊपर डालते हो ना, तो जो वो उसमें से लेजर निकलते तो आपके स्किन को बर्न कर देती है, जिस वजह से वहां पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो उस ब्लड को फ्लो को बराबर जो रेगुलरली लाने के लिए उस जेल या क्रीम का यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो व्हाइट मार्क्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो व्हाइट मार्क्स धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। वो व्हाइट मार्क्स इसी वजह से आते हैं, लेजर जो होती है आपके बॉडी पार्ट के ऊपर पड़ने से वहां का फ्लो बंद हो जाता है, इसलिए वो व्हाइट व्हाइट स्किन दिखने ऊपर लेयर के रूप में ऊपर उभरना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप वो जेल का यूज करोगे तो आफ्टर 2 मंथ्स उसमें ब्लड फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके टैटू फिर से भाई जो आपका टैटू अच्छी तरह से रिमूव होने के साथ साथ एक जो आपका पहले ही स्किन पार्ट था जैसा कि पहले था तो आपको वही पार्ट मिल जाएगा। तो आई होप बस आपको अच्छी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर कर दिया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको पहले से ही जानकारी पता थी, मुझे पता है कि किसी ने भी इस तरह की जानकारी नहीं दी होगी, अगर आपके थोड़ा सा भी आपको लगता है कि भाई मैंने आपकी डाउट को क्लियर किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार अपने भाई के चैनल पर अपने भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे भाई प्रेस जरूर कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिकॉज दोस्तों आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन दोस्तों आपका सपोर्ट भी हमें ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, तो वंदे मातरम।